गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 10 एंड टुडेज टॉपिक इज हाइगेंस प्रिंसिपल। एज यू नो दैट इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेव थ्योरी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, राइट। एक्चुअली when the size of object is greater than the size of wavelength of the light, then ray optics will be hold, right? Then light will travel in the form of ray of light in straight line. But when the size of object is comparable to the wavelength of light, means size of object is less or equal to the wavelength of light, then there will be the wave optics and the nature of the light will be wave, right? So this wave theory was first given by the Huygens, right? In previous lecture we have seen that there is a wave front. Wave front is nothing but the envelope of all the particles which are vibrating in the same phase. जो पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हों, उनका अगर मैं एक लोकस बना दूं, एक एनवलप बना दूं, तो उसे कहा जाता है वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट हमने तीन टाइप के बताए थे। वन वाज स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो पॉइंट सोर्स के कारण बनता है। दूसरा बताया था सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जो कि लाइन सोर्स के कारण बनता है। और तीसरा बताया था प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट तब आपको मिलता है जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर हो। हमने ये भी बताया था कि अगर कोई एरो हम ड्रॉ करते हैं एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो उसको नाम दिया जाता है रे ऑफ लाइट, यानी रे, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास है हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, हाइगेंस ने हमारे एटमोस्फियर को एज्यूम किया था ईथर पार्टिकल से बना हुआ। ऑल्दो वी नो दैट our atmosphere is made of oxygen, carbon dioxide, nitrogen and other gases. लेकिन उन्होंने क्या assume करा कि हमारा जो atmosphere है, it is made of ether particles. Now question arises, why ether? Actually, ether molecule is perfectly elastic molecule. ठीक है? Ether का जो molecule है, वो perfectly elastic होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए उन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर को ईथर का बना है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, जो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। इससे लाइट वेवलेट निकली, वेवलेट निकलने के बाद कुछ पार्टिकल्स तक पहुंची और उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही वाइब्रेशन आया, उनका जो एनवेलप होगा वो क्या बना देगा, वेव फ्रंट। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट, पहला वेव फ्रंट बनता है, उसे कहते हैं प्राइमरी वेव। अब हाइगेंस का ये कहना है कि इसकी जो एनर्जी थी प्राइमरी सोर्स की, वो इन पार्टिकल्स को मिल गई है। फॉर एग्जांपल, देयर आर 10 पार्टिकल्स एंड द सोर्स इज एमिटिंग 100 जूल एनर्जी, तो ईच पार्टिकल विल रिसीव 10 जूल एनर्जी, ठीक। अब वो जो पार्टिकल्स हैं, अब वो खुद सोर्स बन गए। सोर्स बनेंगे तो उनसे वेवलेट्स निकलेंगे, वेवलेट निकलने के बाद जब डिस्टरबेंस आएगा तो उनका भी अपना अपना वेव फ्रंट बनेगा। देखिए बेटा, ये एक पॉइंट सोर्स था, तो इसका जो वेव फ्रंट था वो कैसा बना, स्फेरिकल। अब जो पार्टिकल्स हैं वो भी कैसे सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज, तो इनका वेव फ्रंट भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल। तो इन वेव फ्रंट्स को कहा जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट तो वो था जो सबसे पहले बना, उसके बाद उसके पार्टिकल्स ने जो वेव फ्रंट बनाए उनका नाम होगा सेकेंडरी वेव, ठीक। अब हर एक वेव फ्रंट का पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को, यानी जो ये पार्टिकल्स हैं, इनको ठीक एक इंस्टेंट पे किसी एक एनवेलप से कवर अप कर दूं, तो ये खुद भी एक वेव फ्रंट बन गया। यानी जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ऑल्सो अ वेव फ्रंट, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी वेव। देखिए, फिजिक्स में एक
प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, टर्शरी नाम की कोई चीज नहीं होती। तो प्राइमरी के अलावा जो कुछ भी बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा। फिर अगर हम बैकवर्ड पार्टिकल्स को कनेक्ट करें और एक एनवलप ड्रॉ कर दें तो वो भी क्या बनेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक, जो ये ब्लू कलर का आपको वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है, इस वेव फ्रंट को कहा जाता है फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। जबकि आपको जो दूसरा डॉटेड लाइन से बनाया गया एनवलप है यानी वेव फ्रंट है, उसे कहा जाता है बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो जो न्यू वेव फ्रंट है दिस इज ऑल्सो स्फेरिकल। ठीक है, अब हाइगेंस का कहना यह है कि जो सोर्स होता है, जो बेसिक सोर्स होता है, वो लाइट एनर्जी प्राइमरी सोर्स के पार्टिकल्स को दे देता है। देन पार्टिकल ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट विल इटसेल्फ एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, फिर वो लाइट एमिट करते हैं, फिर वो अगले पार्टिकल को देते हैं। इस तरीके से पार्टिकल से पार्टिकल की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होते हुए आगे को प्रोपोगेट करते। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई थी कि जो बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट है क्या वो भी लाइट एमिट करेगा। तो एक किरचॉफ नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने प्रूव किया था कि जो बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट है उसका प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है ना, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अब देखिए, ये लाइट आगे ट्रेवल कर रही है, ये पहुंच गई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रे ऑफ लाइट कैसी हो जाती है, पैरेलल। एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट देयर इज अ प्लेन वेव फ्रंट फॉर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसका मतलब यहाँ वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसके पार्टिकल भी सोर्स बन गए सेकेंडरी सोर्स। ठीक, उनका भी अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। इस तरीके से लाइट आगे को प्रोपोगेट करती है, लेकिन बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो रोल है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में वो निल है, यानी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक, नाउ द प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस थ्योरी, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि द न्यू वेव फ्रंट एट एन इंस्टेंट लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ ऑल सेकेंडरी वेवलेट एट द टाइम। इट मीन्स The न्यू वेव फ्रंट जनरेटेड बाई द प्राइमरी सोर्स, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक, तो दीज आर द टू पॉइंट ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, ये आपको याद रहना चाहिए, तभी जाके आप हाइगेंस थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप जितने भी फिनोमिना आगे आएंगे वो सारे के सारे इसी थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रख। अब यहां देखिए, आप नोट लिखा है बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड, क्वेश्चन व्हाई बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड। तो हाइगेंस इसको प्रूफ नहीं कर पाए थे, फिर इसको किरचॉफ ने प्रूफ किया था। उन्होंने कहा था कि द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ द वन प्लस कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द वेवलेट, वेवलेट और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा थीटा। तो अगर मैं बैकवर्ड वेव फ्रंट की बात करूं बेटा, तो इस पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 180, बैकवर्ड के लिए 180। अब अगर कॉस 180 हो तो कॉस 180 इज माइनस 1, इट मीन 1 माइनस 1 इज 0, इसका मतलब देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ बैकवर्ड वेवलेट्स इन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। आप जब टॉर्च ऑन करते हैं तो लाइट हमेशा आगे को जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कभी पीछे नहीं आती। इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं वो सिर्फ इमेजिनरी हैं, उनका कोई रोल नहीं है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है ना, और कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद वापस आता है, हम रिफ्लेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, केवल प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है ना, जैसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई रे आई, इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एंड इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। फिर हम इसके दो लॉ बनाते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। दूसरा हम कहते थे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। यही चीज हमें यहां भी प्रूव करनी है, लेकिन ये था रे ऑप्टिक्स का केस, और अब हमें प्रूव करना वेव ऑप्टिक्स से। फिर से बता देता हूं, रे ऑप्टिक्स वहां यूज होती है जहां पे साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वेव ऑप्टिक्स वहां एप्लीकेबल होती है जहां पे साइज ऑफ ऑप्टिकल इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखिए उसको हाइगेंस ने कैसे प्रूव किया था अपनी वेव फ्रंट की थ्योरी के बेसिस पे। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक वेव फ्रंट आया, इस पे इंसिडेंट हुआ। अब आप कह रहे होंगे वेव फ्रंट जो है वो ए बी है, दिखा हम रे से रहे हैं। एक्चुअल क्या है, डायग्राम सिर्फ वेव फ्रंट से नहीं बनाया जा सकता। तो रे ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए बी हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, जबकि आप इस सी डी वेव फ्रंट को देखेंगे तो ये वेव फ्रंट होगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे यहां पे भी होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए हैं बेटा, हम ज्योमेट्री यूज करेंगे। एक ट्राइंगल बना ए डी सी और दूसरा ट्राइंगल बना ए बी सी, इन दोनों में एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री के, ठीक है ना। तो हम यहाँ प्रूव करना चाहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जबकि ये दूसरा एंगल जो बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, वो बनेगा आर, ठीक है। अब देखिए एज पर द मैथमेटिक्स इफ दिस एंगल इज आई, इट मीन्स एंगल बी ए सी शुड ऑल्सो बी आई, ठीक है। अब यहां देखें अगर दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल डी सी ए। हमें ये प्रूफ करना आई इक्वल टू आर, जब हम एंगल आई इक्वल टू आर प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रूफ कर दिया। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखें बेटा, ठीक है। इन दोनों उसमें आपको प्रूफ करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए अगर मैं यहां से साइन आई लूं बेटा, तो साइन आई शुड बी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, और साइन आर अगर मैं लूं तो क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइडेड बाई ए सी। इसका मतलब क्योंकि बी सी और ए डी इक्वल है, बी सी एंड ए डी इक्वल है, इसका मतलब साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। अगर साइन आई इज इक्वल टू साइन आर है, इसका मतलब आई इज इक्वल टू आर होगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेव फ्रंट की थ्योरी या वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था हाइगेंस, ठीक है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।